हाँ फ्रेंड, शोभा की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके हूँ ब्लाउज का बहुत ही प्यारा पैटर्न। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। आई फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ब्लाउज का बैकनेक बता रही हूँ, जो हम लोग कंट्रास्ट में गोल्डन कपड़े से बनाने वाले। सबसे पहले हम लोग इस पे कटिंग करेंगे। यहाँ से हम लोग इसकी चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। और ये कटिंग जो हमें करनी है पूरी नीचे तक करनी है। एक तक आप 11 इंच पे लगा देना एक निशान। उसके बाद यहाँ से हम लोग 8 इंच नीचे डाउन लेते हुए यहाँ से 4 इंच पे निशान लगा देंगे। इसके बाद इसको इस तरीके से हम लोग शेप दे देंगे। ये शेप देने के बाद इसको यहाँ से 4 इंच तक आगे ले जाते हुए इसकी इस तरीके से कटिंग कर देंगे। गले की कटिंग हमारे पास रेडी है। अब इस जगह तो हम लोग पूरी पट्टी लगाकर कपड़े की, अस्तर वाले कपड़े की, और अंदर फोल्ड कर देंगे। अब इसमें बीच में जो हम पैच लगाएंगे, उस पैच के लिए हम लोग इसको एक बार न्यूज़पेपर पे कटिंग कर लेंगे। न्यूज़पेपर पे कटिंग करने के लिए देखिए, ये हमारे पास इसकी लंबाई चाहिए, हमें लंबाई चाहिए 8 इंच और इसकी चौड़ाई चाहिए हम लोगों को 6.5 इंच। इतना डबल कपड़ा लेके ऊपर से 2 इंच नीचे लेके ये हम लोग जैसे बॉट शेप की कटिंग करते हैं उस तरीके से कटिंग कर देंगे। और नीचे से हमें इस तरीके से राउंड शेप कट करना है, यानी सीधा होके ये इस तरीके से हमारा पैच रेडी होगा। इसका एक पोर्शन हम फ्यूज पेपर पे काटेंगे और एक हम लोग दो पोर्शन गोल्डन कपड़े पे काटेंगे, जो हम लोग इस तरीके से हम लोग कट कर देंगे। कट करने के बाद ये ऊपर की तरफ से हम एक सिलाई लगा देंगे और एक नीचे की तरफ से सिलाई लगा देंगे, और यहाँ से इसको सीधा करके फिनिशिंग की सिलाई। इस पैच को हमने दोनों तरफ फिनिशिंग की सिलाई लगा के सीधा कर दिया। अब हम लोग इस पे जितनी हमें नेक की लंबाई चाहिए 7 इंच 8 इंच अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और इसमें हम लोग इस पैच को इस तरीके से सेट कर देंगे हम लोग। तो नीचे की तरफ से ये गोलाई आ जाएगी और यहाँ से अब इसकी किनारे किनारे हम एक सिलाई लगाएंगे तो पैच इसके साथ अटैच हो जाएगा, और इसी कपड़े के 2 बटन हम लोग इस जगह लगा देंगे। फ्रेंड्स, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई समझ में नहीं है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सिलाई सीखते रहिए। धन्यवाद।